तो आज दोस्तों थारा भाई गेमा जी कुछ ऐसा करने वाला है जो आपने सोची ना होगी। नहीं खैर सोची तो बहुत ने होगी, मैंने मैंने खुद सोची ना होगी। आज हम करने वाले, जैसा कि टाइटल से पता चल गया होगा, ट्रिगर्ड इंसान को चैलेंज। हाँ भाई ट्रिगरू, तू एक दिन स्टंपल गाइस खेल के हम अपने आप को प्रो कहता है। दो जीत लिए हैं, हैट्रिक करनी तो बनती है। अगर हैट्रिक मैंने कर ली तो मैं अभी के अभी अपने आप को इस गेम का परमात्मा, मैं ब्रह्म हूँ डिक्लेयर कर दूंगा मैं कि I am the प्रोवेस्ट इन दिस गेम एवर। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। अपुन तेरे को चैलेंज करता है अपुन के साथ खेलने का। मुझे पता है वैसे तो 0.00001% चांस है कि आप ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कृपया करके हमारे साथ खेल लेना यार। स्टंबल गाइस वाले हैं हम, पता नहीं कितनी वीडियो स्टंबल गाइस पे डाल चुके हैं। एक मिनट रोना धोना बंद कर, अपने स्किल्स दिखाने का समय आ गया है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेमा जी। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है यार बढ़िया होंगे। तो आज हम हमारे इस गेमा जी के जंगल में हमारा सबसे पुराना लगाया हुआ पौधा यानी कि स्टंबल गाइस खेल रहे हैं। और उम्मीद है जैसे कि अभी ट्रिगर्ड इंसान जो है हमारे चहेते गुरुजी यस हाँ कह सकते हो, वो खेल चुके हैं स्टंबल गाइस। तो उम्मीद है कि इस बार वाली स्टंबल गाइस पे व्यूज और भी ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता चल चुका है कि स्टंबल गाइस नाम की भी कोई गेम है और स्टंबल गाइस की हाइप और भी बढ़ चुकी है। जबकि हमने स्टंबल गाइस खेलनी बहुत कम कर दी थी क्योंकि आप लोग सिर्फ स्टंबल गाइस देखते थे और कुछ देखते नहीं थे इसलिए। लेकिन प्लीज ये वीडियो किसी ना किसी तरीके से शेयर करो, जो मर्जी करो यार, ट्रिगू तक पहुंचा दो यार। और उसकी हर चैट में, हर लाइव चैट में प्लीज 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 ये लिखा करो प्ले विद गेमा जी, प्ले विद गेमा जी, प्ले विद गेमा जी, ये स्पैम किया करो। आप मुझे नहीं पता आज की वीडियो कितने जने देख रहे होंगे, लेकिन आपको पता है मैं कितना ज्यादा रेगुलर रहा हूँ अपने चैनल पे और कितनी ज्यादा मेहनत के साथ हमने 30K तक पहुंचे हैं, 35K तक ऑलमोस्ट पहुंचे हैं। तो प्लीज अगर आप कर सकते हो थोड़ी सी हेल्प कर दो, वीडियो को शेयर कर देना और उनकी हर लाइव स्ट्रीम में या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखना प्लीज प्ले विद गेमा जी, प्लीज लिख देना साथ में, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट करनी बनती है भाई। और वैसे और उनको ये भी बता देना कि उन्होंने उनके जो ट्रिगर सेंटा वाली स्ट्रीम हुई थी ना, मेरी थंबनेल पे उनकी पिक्चर थी, नहीं पिक्चर नहीं था, क्या होता है वो कर्सर था लेकिन क्लिक नहीं हुआ, मेरी मारी किस्मत। चलो जो भी हुआ, अभी हम जैसे भी हैं अभी देखते हैं यार, कुछ अगर नहीं भी हुआ। ओए 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 ओए, पता क्या हो गया था अभी, मेरा स्टार्ट बटन दब गया था। वैसे ये मेरे साथ हमेशा ही होता है, हमेशा नहीं होता, बट मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना पहला मैच लगाते हुए यस आई चैलेंज यू ट्रिगू, अगर आप खेल सकते हो मेरे साथ। वैसे मैं रिस्पेक्ट दूं या नहीं, नहीं भाई हैं वो, रिस्पेक्ट दूं, भाई को भी बड़े भाई को भी रिस्पेक्ट मिलती है, आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है। आई एम जस्ट किडिंग, कोई भी गुस्सा मत हो ना, मैं कुछ भी बकवास मार दूंगा, क्योंकि जब जब मैं एक्साइटेड होता हूं ना ऐसी कुछ चीजों के लिए तब तब मैं कुछ भी बोलता हूं। और मुझे उम्मीद है कि कोई मुझे मुक्का ना मारे तो बेस्ट बात है, अगर किसी ने मुक्का मारा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो वैसे आप लोगों को लगता होगा कि कभी कभी ना, कुछ लोगों को लगता है, आपको नहीं लगता, कुछ लोगों को लगता है कि मैं ओवर एक्टिंग करता हूं, लेकिन ये ओवर एक्टिंग नहीं करता मैं, कई बार रोज रोज नहीं, कई बार मैं ओवर एक्साइटेड हो जाता हूं। मेरी लाइफ में मैं हर छोटी बड़ी चीज को लेकर ना बहुत ओवर एक्साइट होता हूं। आप ये बात मेरे फ्रेंड से पता कर सकते हो, मैं कभी बात करवा दूंगा उससे, जो इकलौता ओए मरवा दिया यार, कसोड़े यार, वेरी यार प्लीज वीडियो को शेयर करना यार, ट्रिगू तक पहुंचाना यार। तो दोस्तों वैसे तो मैं ऐसी हरकतें बहुत कम करता हूं अपने चैनल पे, मैंने आज तक मुझे लगता है बस दो बार रेड करवाने की कोशिश की है और किसी यूट्यूबर का नाम लेकर कभी कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये पहली बार मैं ऐसी हरकत कर रहा हूं। हाँ वो रेड वगैरह कर चुका है, रेड वगैरह के लिए हम कर चुके हैं, लेकिन वहां पे कभी हमें कुछ नहीं मिला। और उम्मीद है कि ये वीडियो, पता नहीं ये सब कुछ आपके हाथों में है यार, जैसा आप चाहोगे वैसा होगा, बट आज तो करना बनता था क्योंकि ये हमारी गेम है। नहीं हमारी गेम नहीं है, मतलब मैंने थोड़ा बनाई है, मतलब जिन्होंने भी बनाई है, लेकिन हम खेलते रहे इस गेम को इतना ज्यादा। और मुझे कभी सोचा भी नहीं था मैंने कि ट्रिगर्ड इंसान इस गेम को खेलेगा, सीरियसली कभी नहीं सोचा था। और ये थोड़ा सा अभी जो भी हुआ है देखते हैं हम क्या बनेगा, पता नहीं। मैं फिलहाल तो इतना एक्साइटेड हो चुका हूं कि मैं हार रहा हूं, चुप करके अपना जीतने की कोशिश कर, जीतने की कोशिश नहीं कर, जीतना बनता है भाई, तो जीतते हैं। अरे यहाँ पे हाई कर रहे हो, हाई कर रहे हो तुम लोग, मैं ये क्यों मार रहा था, मेरे को याद भी नहीं है।
कि हक कहाँ से होता है, मैं भूल गया। तो इस गेम में तो चैलेंज करना बनता था यार। अब वैसे मैं ये सिर्फ मुझे पता है बहुत घटिया स्टंट है ये कोलैब करने का, मुझे खुद को ऐसा लगता है नहीं यार इतना भी घटिया नहीं है यार, मैं इतने समय से इतनी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ तो अब तो डिजर्व करता हूँ मैं। यस मैं सेल्फ कुछ ज्यादा प्रेज नहीं हो रही अपने आप की, पता नहीं चलो जैसा भी हो रहा है मुझे नहीं पता, बस मैं क्यों कर रहा हूँ मेरे आइडिया दिमाग में आ जाया जब उन्होंने वीडियो डाली और मैंने देखा नोटिफिकेशन आई तो मैं हैरान, ये असंभव, ये कैसे हो गया, ये असंभव। मुझे पता है आप लोग मुझे काफी टाइम से बता रहे थे बट मुझे इतना भी नहीं था कि वो खेल ही लेंगे और यहाँ पे अभी हम हारने वाले हैं, मुझे 99% श्योर है। फिर से यार मैं इतना एक्साइटेड हो गया, अब तो वो पक्का कहेंगे कि अगर इसके साथ खेला तो पक्का है जीतना, तो हाँ हाँ पक्का है उनका जीतना, तो ठीक है ठीक है ठीक है मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, मुझे उम्मीद है। कर क्या। ओके तो लास्ट में ब्लॉक डैश आया है हमको, मुझे पता है ट्रिगर्ड इंसान इसमें लास्ट पे जीत गया था। अरे जीत गए थे सॉरी मैं कभी कभी रिस्पेक्ट देने में कंजूसी कर जाता हूँ बट उनको बच गया। ओके यहाँ पे ये व्हाइट शेर जो है हमको धमकी नहीं दे रहा रे, हमको वो दे रहा है क्या कहते हैं इसको, गुड लक कह रहा है सबको, जैसे कि वही सबका हीरो यस सबका हीरो है। सबका हीरो कौन कोई कार्टून आते थे सबका हीरो वाले, मुझे याद नहीं कौन से कार्टून आते थे। ये हाय बोल रहा है मुझे लगता है, अबे साइड पे हो जा, साइड पे नहीं हो रहा था यार, यहाँ पे कई बार ना लोग मरवा देते हैं। ओके इजी है ओके शांति के साथ, अरे यार ये मरवाएंगे मुझे पता था, अबे निकल जा, अरे शिट हो गया। ओके तो अब अपुन बन चुका है ये हरा हरा सा स्केलेटन और इस बार तो स्केलिंगटन कौन सा था, स्केलिंगटन वो स्किन आई थी फॉल गाइज में, या मुझे याद आ गया, मुझे स्केलिंगटन फॉल गाइज याद आ रही है, स्टंबल गाइज में भी, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपुन जीत के दिखाएगा। ये गेमर जी द गेमर नहीं क्या कहता था मैं, क्या कहता था, अश द गेमर जीत के दिखाएंगे, अश द गेमर यस ये क्या करता था मैं, बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। ओके तो अश द गेमर को अभी इस ओवर एंड अंडर से गुजरना है और ये हमारा काफी बड़ा दुश्मन रहा है बचपन से हाँ जब से हमने स्टंबल गाइस खेलनी शुरू की है मतलब तब से। यहाँ पे पंच पड़ेगा, पंच नहीं है ये, चल जो भी है ये। ओके अभी मार मत मार मुझे मां मुझे मत मार, मानिए ये मतलब जो, अरे यार मेरा तो पकौड़ा बना दिया, पकौड़ा नहीं बनता यार पापड़ बना दिया, पापड़ कह सकता हूँ, पापड़ बना दिया। अरे कितनी जनता पहुंच गई, शिट अरे हारेंगे हम तो, नहीं कौन कहता है हमारे टनो। ओके तो हमारा काफी प्यारा राउंड आया, एंड में हमारे जीतने के भी चांसेस हैं हमें, लेकिन ये बंदों ने कोई नई ट्रिक ढूंढ ली, वो कहीं और से ही जा रहा है मुझे लग रहा है, इन्होंने नई ट्रिक ढूंढ ली। यस 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 भाई मेरी गैर मौजूदगी में स्टंबल गाइस में क्या क्या हो गया, अरे मर गया कहां से लूडिंग हुई, ये तो धोखा है, हारने का मौका है अभी भी कुछ नहीं है बिगड़ा, कुछ भी हो सकता है। ये गाने वाले स्टाइल में क्यों बोल रहा हूं मैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन हारना अपना 90% कंफर्म हो चुका है। ओके भाई अपुन बच गया, अभी तक कोई नहीं जीता, अभी जीत गया। ओके तो इस बार तो हम जीत के रहेगा, मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता, मैं गारंटी दे सकता हूँ मुझे कोई नहीं रोक सकता, इस बार तो जीतना मेरा बाजू में है यानी कि आराम से है। ओके आराम से ओके इजी था ये उफ, इसको पंच मारू, मैंने बहुत दिन हो गए मारा नहीं किसी को, अरे लगा नहीं उसको, कोई फायदा हुआ। ओके तो यहाँ पे पिवट पुश यानी कि सबसे हमारा बोरिंग राउंड आ चुका है, एक बंदा नीचे भी गिर गया बेचारा, उसकी पता नहीं कितनी बुरी किस्मत होगी, पता नहीं उसने किस्मत किससे लिखवाई होगी, नहीं किस्मत लिखी नहीं होती, किस्मत बनाई जाती है, तो पता नहीं उसने किससे बनवाई, नहीं बनाई जाती है, बनवाई नहीं जाती। आगे हम बढ़ते चले मैं सबसे सुंदर, मैं सबसे हसीन। एक मिनट
ये मैं यहाँ पे, अरे अगर मैं इस चक्कर में रहा ना, बच गया, मुझे था मेरे उस डांस के चक्कर में मैं रह गया। तो एक बार फिर से फिनाले में हमें ब्लॉक डैश आया है और हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट इस बार तो हम जीत जाएं। और मैं पूरी की पूरी इस लास्ट वाली उसमें ऐसे ही बोलने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता मेरी तीखी सी आवाज किसको चुभ रही होगी। वैसे ये चुभने को रोज़ वाला कंडा नहीं है, कंडा समझते हो ना, कंडा कंडा कांटा, कांटे को पंजाबी में कंडा बोलते हैं। बस बहुत हो गया, इतना भी नहीं, मैं क्या क्या कर रहा हूँ आज, मुझे नहीं समझ में आता, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे घूमना आता है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे यार ये बहुत खतरनाक होता है, बच गया, मैं तो बहुत अच्छे से बचा। अगर उससे मरे तो आप मरे, ओके दो बंदे जा चुके हैं ना, इसलिए मैं तीन बंदा नहीं हूं मैं। अरे शिट, ओके वहां से मौका था, व्हाट द पारिवारिक कंटेंट। तो इस बार दोस्तों मैंने आपको शुरू के राउंड्स नहीं दिखाए, सीधा फिनाले में लेके आया, क्योंकि आखिर ट्रिगो भैया को भी तो पता चले कि उनका मुकाबला किससे होने वाला है। वैसे ये मैंने ज्यादा फुकरी तो नहीं मार दी, मुझे हालात अच्छे नहीं लग रहे इस मैप में, मैं ठीक ठाक ही खेलता हूँ, मेरे को सच में मेरा क्राउन खतरे में लग रहा है। मेरे से आगे बहुत बंदे हैं, बहुत, दो बंदे तो मेरे सामने ही देख लिए, और एक ये, दो तीन बंदे मेरे से आगे, और ये बंदा उल्टा मेरी साइड में को क्यों ही भागे, प्लीज आगे स्पॉन हो जाना। नाइस नाइस नाइस, मुझे लगता है अभी एक ही बंदा बचा है मेरे से आगे, बट फिर भी अगर वो एक भी हुआ तो वो भी जीत जाएगा, नहीं जीतेगा, नहीं नहीं भाई मैं जीतूंगा। यस ट्रिगो भैया आपका मुकाबला गेम मान जीता गेमर से होने वाला है। प्लीज अगर ये वीडियो पहुंचा सकते हो शेयर करो उनके साथ, कोई रिक्वेस्ट ही है आपको, और क्या कर सकते हैं हम, अगर नहीं पहुंची तब भी हम खुश हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की, आज हमने ये कुछ डिफरेंट किया, मैंने अपने चैनल पे ऐसा कुछ नहीं किया था अब तक। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और उनकी हर स्ट्रीम में या फिर वैसे भी उनको ज्यादा स्पैम मत करना, स्पैम से गुस्सा आता है थोड़ा सा, यानी फिर भी जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, बट किसी तरीके से इस गरीब का भला कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, हम ऐसा ऑसम कंटेंट लेके आते रहते हैं, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो शुक्रिया, बाय बाय टाटा सब्सक्राइब करने का, ठीक है। अगर नहीं हो, अगर यहां तक देखिए तो बनता है।